हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई रेसिपी, ब्राउन सॉस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ब्राउन सॉस बनाने का एक बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। तो आजकल के टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है, तो हम आजकल शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम डेमीग्लेज पाउडर से ही ब्राउन सॉस बना लेते हैं। और इसका लॉन्ग प्रोसीजर इस प्रकार से है कि जैसे हम बहुत सारी बोन्स, हड्डियाँ, चिकन मटन की इकट्ठी करके उनको ब्राउन करते हैं। ब्राउन करने के बाद हम एक स्टॉक वाटर बनाते हैं। स्टॉक वाटर में हम उसको 2 से 3 दिन तक पकाते हैं। उसमें रू डालते हैं, वेजिटेबल डालते हैं, लीक चिल्ली, थैम, रोजमेरी, बहुत सारे हर्ब्स वगैरह डालते हैं। तो उसका जो है कुछ लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम को ख़त्म करने के लिए हमने एक छोटी शॉर्ट फॉर्म बनाई है कि जितना भी हम हड्डियों का जो स्टॉक बना देते हैं वो हमने पाउडर के रूप में यूज किया है। तो वो इस प्रकार से हमें रेडीमेड बाजार से मिल जाता है, जिसका नाम है डेमीग्लेज पाउडर। तो आज हम ब्राउन सॉस बनाने वाले हैं डेमीग्लेज पाउडर से। तो दोस्तों, तैयार है, किस प्रकार हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने सारा नॉन वेज स्टॉक वाटर तैयार किया हुआ, जो इस प्रकार से है। वेज और नॉन वेज स्टॉक वाटर मैं आपको दूसरी नई वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार से स्टॉक वाटर तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास नॉन वेज स्टॉक वाटर। अब हम इसमें डालेंगे ये डेमीग्लेज पाउडर। और डेमीग्लेज पाउडर को हम इस तरह से इसमें फेंट देते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों, स्टार्ट है। हम इसमें डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल, और इसमें हमने गार्लिक डाला है। और दोस्तों, इस बार हम इसमें डालने वाले हैं स्लाइस मशरूम। स्लाइस मशरूम को हम इसमें रोस्ट कर देते हैं अच्छी तरह से। और दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ये मशरूम अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालने वाले हैं घोला हुआ डेमीग्लेज पाउडर। और दोस्तों, ये हमारा एकदम गाढ़ा बिलियन तैयार हो चुका है इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सॉस। तो दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं व्हाइट सॉस। और ये एक ऐसी सॉस है जिसमें हम बहुत सारी सॉस यूज करते हैं। अब हम इसमें करने वाले हैं यूज एल ई ए सॉस। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं एच पी सॉस। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 828 सॉस। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं सोया सॉस। दोस्तों, इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं विनीगर। और दोस्तों, इसमें हम टेस्ट अनुसार सॉल्ट मिलाएंगे इस तरह से। और ये बन गई हमारी ब्राउन सॉस।
अमेजिंग ब्राउन सॉस। और दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी ब्राउन सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। और दोस्तों जो बहुत सारी और सॉस हैं मैं धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा नई नई सॉस के बारे में, नई नई सॉस कैसे बनाते हैं। और दोस्तों आपको मेरा चैनल कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंटमेंट सब्सक्राइबर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ नई नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।